हुकूमत की जानब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने पर गौर किया जा रहा है। वफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि रियासत की मदियत में ये मुकदमा खुसूसी अदालत में भेजना चाहिए। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि FIA तहकीकात में तआवुन ना किया तो चेयरमैन PTI को इंक्वायरी के मरहले पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इनका कहना था कि चेयरमैन PTI पहले ही तस्दीक कर चुके हैं कि साइफर इनसे गुम हो चुका। अब FIA इनसे तहकीकात करके सिफारिश करेगी कि शवाहिद और चेयरमैन PTI के बयान के बाद कौन शरीक जुर्म है और किस किस के खिलाफ जुर्म का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वाज़ह रहे कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने साइफर के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 25 जुलाई को तलब कर लिया है। FIA ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया और इन्हें नोटिस बनीगाला और जमान पार्क के पते पर जारी किया गया। नोटिस के मतन के मुताबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर तहकीकात जारी है और FIA की ज्वाइंट इंक्वायरी टीम साइफर मामले की तहकीकात कर रही है।